होश में आओ, आंखें खोलो अपनी। अरे देखो वो डॉलर, अरे खेल खेल रहा तुम्हारे साथ। दोनों को रखना ट्रॉली, मैं बोलूंगा शिव जा जा। क्यों धमका रही हो तुम यार? इस कमरे में आने का हक हो चुके हो तुम, जाओ। एग्जैक्टली फिलहाल अमृता भी रिया पे काफी हैरान है और गुस्सा है कि कोई लड़की उसकी बहन जो कि इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकती है, इतना बड़ा कैसे सोच सकती है। ठीक है उसे हर्ट हुआ है, उसका दिल टूटा है, बट फैमिली के अगेंस्ट जाना, अपने दुश्मन से हाथ मिलाना, ये सारी चीज़ें बेसिकली अमृता के लिए वो उसकी छोटी बहन और वो कहीं ना कहीं नासमझ है। तो पहले तो अमृता उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे हर तरीके से बताने की कोशिश करती है कि इससे क्या असर होगा उसकी लाइफ पे, हमारी फैमिली पे, अगर वो ऐसा कुछ यू नो जोश में आके होश खो बैठती है और दुश्मनों की यू नो क्या कहते हैं उसको, दुश्मन उसे यूज़ करते। तो ये बेसिकली अमृता नहीं चाहती और वही वो समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रिया उसे बीच में लगता भी है कि शायद रिया मान जाएगी, लेकिन रिया अभी भी अपने गुस्से के, अपने बदले के, अपने उसके सुरूर पे है। मतलब शी इज़ हर्ट एट द सेम टाइम शी इज़ एंग्री, वो दार जी से नाराज़ है, वो वीर से नाराज़ है, वो मुझसे नाराज़ है, वो पूरी फैमिली से नाराज़ है, सबके अगेंस्ट जाने के लिए रेडी है बेसिकली। अब वो अगर ज़िद करेगी तो अमृता ने कह दिया है कि अगर तुम ज़िद करोगी और तुम्हारे कोई भी गलत डिसीजन से तुम्हारी लाइफ या फैमिली की उसमें बात आती है या फैमिली के साथ कुछ गलत हो जाता है, तो अमृता इस बार पीछे नहीं हटेगी, वो उसे सबक सिखाएगी। बड़ी बहन जी, तुम बाहर जाकर सबको ये बताओगी कि मैं डॉलर से शादी करने वाली थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरे दादाजी है ही नहीं अब, इसलिए तुम जाओ, तुम यहाँ खड़े होके अपना टाइम मत वेस्ट करो, मिस मत होने दो, गो गो अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, जाओ गो अमृता, जाओ जाके महान बनो, ये अपॉर्चुनिटी ना तुम्हारे हाथ से जानी नहीं चाहिए।